हेलो एवरीवन, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ज्वारी का वड़ा और खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ज्वारी का आटा और 1/4 कप गेहूँ का आटा लिया है। अभी दोनों आटा को हमें अच्छे से छान लेना है। आपके पास में ज्वारी का आटा नहीं है तो आप इसे बाजरे के आटे से भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और ऊपर से तिल डालेंगे। तिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है तो हमें अजवाइन को हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यहाँ पर सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से सूखा सूखा ही सबसे पहले मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर में 1 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और यहाँ पे हमें थोड़ा दही डालना है। दही हमें धीरे धीरे करके ही डालना है, आटे को हमें पानी से नहीं गूंथना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आटे को हमें मसल लेना है ताकि दही सबके अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे थोड़ी दही और डालेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से हम आटे को गूंथ लेंगे। आटा को हमें जितना अच्छे से गूंथते हैं वड़े का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी के जैसा ही हमें आटा गूंथना है। आटे को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसमें से हम इस तरीके से एक छोटी सी लोई लेंगे, एक नींबू के आकार की, और इसको हाथ से पहले दबाएंगे, फिर दोनों हथेलियों के बीच में इसको बस गोल गोल घुमाना है। और यहाँ पे गोल गोल घुमाते हुए ये इस तरीके का दिखेगा। अभी इसको हम बीच में से इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखो इस तरीके का शेप का हमारा वड़ा बन गया है। और ये वड़ा बनाना बहुत आसान है और मैं फिर से आपको और एक वड़ा बना के दिखाती हूँ। बस आपको लोई लेना है और उसको दबाना है दोनों हथेलियों के बीच में और आपका वड़ा बन के तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे बस इसको इस तरीके से प्रेस करना है, कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं करनी है और परफेक्ट शेप के वड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे ही वड़े बनके तैयार हो गए हैं इस तरीके से। ये अभी चपटे दिख रहे हैं मगर जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये एकदम फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। फिर ऑयल के अंदर में एक एक करके वड़े डालते जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी है तो आप एक साथ ज़्यादा वड़े भी डाल सकते हो। मेरी कढ़ाई यहाँ पे छोटी है तो मैं यहाँ 5-6 वड़े ही डालूँगी। तो यहाँ पे वड़े हमने डाल दिए हैं, फिर इसको हमें धीरे धीरे करके इस तरीके से पलट लेना है बीच बीच में, और बीच बीच में पलटेंगे। ये वड़े इतने अच्छे बनते हैं कि जब आप बनाओगे तो ये कभी टूटते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल सबके वड़े खाए हैं, इस बार आप ये ज्वारी वाले वड़े ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए भी ज्वारी बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे हमारे सारे ही वड़े फ्राई हो रहे हैं और इसका कलर भी एकदम अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे जब ये फ्राई होते हैं तो ऑयल के ऊपर में तैरने लगते हैं और इसमें से जब बबल कम हो जाएगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे वड़े फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, इसका कलर कितना प्यारा आया है और एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसको अभी हम अंदर से निकाल लेते हैं। ये वड़े फ्राई होते हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि आपके आसपास में भी पता चल जाएगा कुछ तो नई डिश बन रही है। यहाँ पे हम दूसरे बैच के भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वड़े को आप बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए। जब आपको खाने का मन करे बस ऑयल गरम करिए और वड़ा फ्राई करिए और खाइए। तो यहाँ पे हमारे सारे ही वड़े फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इसको दही के साथ में सर्व किया है, आप चाहे तो चाय के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हो। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको इसको बीच में से तोड़ के भी दिखाती हूँ। एकदम ये अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है।
तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे वड़े की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर देना, ताकि किसी को इतनी टेस्टी वाली डिश खाने को मिले। और क्या पता आप उनके घर पे कभी मेहमान बन के जाओ और आपको ही इतनी टेस्टी वाली डिश खाने के लिए मिल जाए, तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी जो भी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। जवारी वड़ा को आप अपने घर में जैसे कभी किट्टी पार्टी हो गई, कोई मेहमान आया, तो भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हो। और जैसे शाम के टाइम में या सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी गर्मा गर्म आप इसका मज़ा ले सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो आपको इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरी वीडियो आप सबने पूरी देखी तो आप सबको थैंक यू।